आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। When the price of a product was decreased by 10%, then the number sold increased by 30%. तो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है 10% घटा देते हैं तो जो उसकी सेलिंग है, ठीक है, तो वो बढ़ जाती है कितनी, 30% बढ़ जाती है। सो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू पे कितना इफेक्ट पड़ेगा हमको ये निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये सपोज कर लें कि पहले प्रोडक्ट की प्राइस कितना था, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखें कि कितना घटा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है। तो हमने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू 100 ले लेते हैं, बाद में हम कंपेयर करके निकालते हैं, मतलब वेरिएबल ना लें, इसकी जगह हम 100 ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम मान लेते हैं कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की कितनी है, 100 रुपए है। सो लेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी 100 रुपीज। तो हमने इसकी प्राइस कितना ले लिया, 100 रुपीज ले लिया। और इसकी ओरिजिनल सेल कितनी हमने मान ली, कि मान लो ओरिजिनल सेल्स जितने पीसेज हैं, मान लो हमारे पास 100 पीसेज हैं, तो टोटल 100 पीस की सेल हो रही है। तो एंड लेट ओरिजिनल सेल कितनी हो रही है, ओरिजिनल सेल भी 100 पीसेज। तो मतलब जितने हमारे पास पूरे पीसेज हैं, मान लो पूरी सेल हो रही है और एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू कितना मिलेगा हमको, इसलिए टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, मतलब हम इस क्वेश्चन को वेरिएबल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स ले लें, यहाँ पर वाई ले लें, ठीक है, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन है तो इसको हम 100 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 100 × 100, क्योंकि एक प्रोडक्ट का 10 है, 100 रुपीज है, और कितने पीस हमारे पास, 100 पीस है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 10,000 रुपये। अब क्या हुआ कि नए रेवेन्यू कितना हो जाएगा, नए रिवेन्यू में क्या है कि हमने प्राइस घटा दिया 10%, तो 90 हो जाएगा। और जब हमने इसकी जो नंबर है, जो सेलिंग नंबर है, वो हमने बढ़ा दिया 30% से, तो ये कितने हो जाएंगे, 130। तो नया रिवेन्यू कितना आ जाएगा, न्यू रिवेन्यू इक्वल टू, हमने उसकी कीमत घटा दी, 90 कर दी, और प्रोडक्ट कितने हो गए, अब 130 हो गए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,700 रुपये। तो अब जो नया रिवेन्यू हो गया इतना हो गया, इसका मतलब रिवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको ये बताना है कि कितना बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग परसेंटेज निकाल दें इसका। सो इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू कितना बढ़ रहा है, 10,000 में से 11,700 हो गए, इसका मतलब 1700 बढ़ गया ये। तो 1700 बटे इनिशियल कितना था, 10,000 इंटू 100, और इसको करके जितना निकालेंगे तो क्या निकलेगा वो परसेंटेज। तो 100 से ये 20 कैंसिल हो गए, 20 से ये इधर कैंसिल हो गए, तो कितना परसेंट रेवेन्यू बढ़ गया हमारा, 17%। तो इसलिए हम मोस्टली हम 100 ले लेते हैं, कितना सिंपल हो गया जब हमने 100 ले लिया। अगर एक्स वाई लेते तो हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम 100 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।